नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 12 अप्रैल। सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप क्रिकेट से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल चक दे क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। बीएड मान्यता प्राप्त कॉलेज की मांगी गई लिस्ट। बिहार में जलकुंभी से तैयार होगा बायोफ्यूल। बीपीएससी 67वीं परीक्षा का इस दिन जारी होगा एडमिट कार्ड, इतने जिलों में बनेगा सेंटर। एनडीए और महागठबंधन में रोचक हुआ आज होने वाला बोचहा का मुकाबला। उत्तर बिहार के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीएड मान्यता प्राप्त कॉलेज की मांगी गई लिस्ट। बीएड की तैयारी कर रहे छात्रों को बीएड परीक्षा से जुड़ी जानकारी का इंतजार रहता है। ऐसे में आपको हम बता दें कि राज्य स्तरीय बीएड एंट्रेंस टेस्ट के लिए तैयारी शुरू हो गई है। इसको देखते हुए ही नोडल संस्थान ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को टेस्ट कराने की जिम्मेदारी एक बार फिर से राजभवन की तरफ से दी गई है। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों से वैसे कॉलेज की सूची मांगी गई है जिन्हें एनसीटीई की मान्यता प्राप्त है, क्योंकि अपडेट सूची के आधार पर ही नामांकन होगा। जिन कॉलेजों की मान्यता विगत समय में समाप्त हो गई है उसमें सीटें अलॉट नहीं की जाएंगी, जिसके बाद ही अब वैसे कॉलेज को चॉइस फिलिंग की लिस्ट से हटा दिया जाएगा। रिपोर्ट आते ही उसे वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे उल्का गुप्ता की। उल्का गुप्ता एक भारतीय फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री है। वो लोकप्रिय रूप से मनु के रूप में जानी जाती है, क्योंकि उन्होंने ZTV के डेली सोप झांसी की रानी में मनु यानी कि युवा रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका निभाई थी, और बाद में उल्का ने काली के रूप में उसी शो के में फिर से प्रवेश किया था। उनकी पहली फिल्म एक टॉलीवुड फिल्म है अंधपुरी है, जिसमें उन्होंने मुख्य किरदार प्रशांति की भूमिका निभाई थी। उल्का गुप्ता ने 2015 की तेलुगु फिल्म रुद्रमादेवी में भी काम किया है। उल्का गुप्ता का जन्म 12 अप्रैल 1997 को सहरसा बिहार में हुआ था। उनका परिवार क्षेत्र का मूल निवासी है। उनका पालन पोषण मुंबई में हुआ। उनके पिता गगन और उनकी छोटी बहन गोया भी अभिनेता और अभिनेत्री हैं। इसके साथ ही उन्होंने रुस्तमजी इंटरनेशनल स्कूल दहीसर मुंबई में पढ़ाई की है। दरोगा सार्जेंट की 24 अप्रैल से होने वाली है परीक्षा, तैयारियां पूरी। बिहार में जल्द ही दरोगा सार्जेंट को लेकर परीक्षा का आयोजन होने वाला है, जिसका आयोजन 24 अप्रैल को करवाया जाएगा, जिसको लेकर बिहार में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है, क्योंकि अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश पत्र भी जारी कर दिया गया है। साथ ही कुछ अभ्यर्थियों की शिकायत यही है कि अब तक ओटीपी नहीं मिला है, इससे बगैर प्रवेश पत्र डाउनलोड करना मुश्किल है। इसको लेकर ही अब आयोग ने साफ किया है कि उसकी तरफ से अब कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि धीरे धीरे ओटीपी भेजने का काम हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार पुलिस के दरोगा के 1998 और सार्जेंट के 215 पद पर बहाली की प्रक्रिया जारी है। बीपीएससी 67वीं परीक्षा का इस दिन जारी होगा एडमिट कार्ड, इतने जिलों में बनेगा सेंटर। बीपीएससी ने 67वीं पीटी प्रतियोगिता परीक्षा बिहार के 38 जिलों में आयोजित होने वाली परीक्षा को लेकर के अपडेट जारी किया है। इसको लेकर बीते दिन ही बीपीएससी की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है, जिसके साथ ही अब 25 अप्रैल से छात्रों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का विकल्प मिलने लगेगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने जो अधिसूचना जारी की है उसके अनुसार 38 जिलों में 1083 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा का आयोजन होने वाला है। इस परीक्षा के सवाल पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होने वाले हैं। वहीं जिन भी अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है वो आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार के 21 जिलों में घटने लगा है जल स्तर। बिहार में इस बार भीषण गर्मी का सितम है। गर्मी की मार का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बिहार के अधिकांश जिलों में जल स्तर घटने लगा है, जिसका खुलासा हाल ही में पीएचईडी की रिपोर्ट में हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 31 मार्च तक अधिकतम जिलों में पानी का लेवल 2021 की तुलना में घटा है। कुछ जिलों में तो 1 फुट तक पानी का स्तर नीचे चला गया। इस रिपोर्ट के बाद विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पानी की दिक्कत आने से पहले ही तैयारी पूरी कर ले और उन इलाकों की निगरानी बढ़ा दे जहां पानी का स्तर मार्च में ही गिर गया है। विभाग का मानना है कि अगर इसी तरह से रहेगी तो अप्रैल के अंत तक जल स्तर में और जगहों पर भी गिरावट हो सकती है। बिहार में जलकुंभी से तैयार होगा बायोफ्यूल। बिहार में जलकुंभी के कारण लाखों हेक्टेयर जल का उपयोग नहीं हो पाता है। यह इलाके के जलकरों और जलीय जीवों के लिए भी अभिशाप बना हुआ है। इसको लेकर कोसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जलकुंभी को वरदान में बदलने की तैयारी हो रही है। इसके लिए ही कानपुर की टीम इलाके के जलकरों, तालाबों आदि के भ्रमण के बाद इसकी रणनीति बनाने में जुट गई है। जंगलों के रूप में लगातार पसर रहे जलकुंभी से जैविक खाद, बायोफ्यूल, टोकरी, चटाई आदि का निर्माण होगा, जिससे हजारों लोगों को रोजी भी मिलेगी। वैसे भी इस इलाके में रोजगार के अभाव से लगातार और अकुशल श्रमिकों का पलायन हो रहा है। जलकुंभी उत्पाद बनाने की योजना के तहत अब लोगों को काम मिलेगा, क्योंकि अब मनरेगा के मजदूर तालाब जलकर से जलकुंभी निकालेंगे। मत्स्यजीवी समिति अभी नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन आवेदन।
मछुआरा समाज को लेकर बीते कुछ दिनों से लगातार चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि समिति के लोगों के लिए कुछ समय पहले ही बतौर मंत्री मुकेश सहनी ने कई नियम लागू कर दिए थे। उसके बाद भाजपा ने उन नियमों का खंडन तो किया, लेकिन अभी इन समितियों की परेशानी खत्म नहीं होने वाली है, क्योंकि खुद उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की पहल पर मछुआरा समाज के व्यापक हित में सहकारिता विभाग ने प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों में पैक्सों के समरूप सदस्य बनने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था को स्थगित कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि विगत दिनों भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद डॉ. संजय जायसवाल, सांसद अजय निषाद और मत्स्यजीवी समाज के दर्जनों प्रतिनिधियों ने उप मुख्यमंत्री से मिलकर मछुआरा समाज की कठिनाइयों से अवगत करवाया था। म्यूटेशन का अधिकार लेकर राजस्व अधिकारियों के पास ये है विकल्प। सरकार ने म्यूटेशन के मामलों के निष्पादन का अधिकार राजस्व अधिकारियों को दे दिया है, लेकिन फिर से कानूनी और तकनीकी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। वहीं अंचलाधिकारी और म्यूटेशन के निष्पादन का बोझ बना हुआ है। आम लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। पुरानी गति से ही अंचलों में काम चल रहा है। ज्ञात हो कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 24 मार्च को अधिसूचना जारी कर राजस्व अधिकारियों को म्यूटेशन के निष्पादन का अधिकार दे दिया है। अधिसूचना के अनुसार नई व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू होने वाली थी। इस तारीख को यह व्यवस्था लागू नहीं हो पाई, जिसके बाद अब जल्द ही इस व्यवस्था के लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है। एनडीए और महागठबंधन में रोचक हुआ आज होने वाला बोचहा का मुकाबला। आज बिहार विधानसभा के मुजफ्फरपुर जिले की बोचहा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है। इसको लेकर प्रचार प्रसार रविवार की शाम थम गया था, जिसके बाद अब आज वोटिंग होने वाली है। खास बात यह है कि इस सीट पर भाजपा राजद और वीआईपी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपना दमखम दिखा रहे हैं। इसको लेकर सभी पार्टियों ने अपनी ताकत भी झोंक दी है, जिसके तहत ही बीजेपी की तरफ से एनडीए समर्थित प्रत्याशी पूर्व विधायक बेबी कुमारी मैदान में है। वहीं वीआईपी ने डॉक्टर गीता कुमारी को उतारा है। राजद ने अमर पासवान पर भरोसा जताया है। बोचहा उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होने की पूरी पूरी संभावना भी जताई गई है। ये चुनावी लड़ाई काफी रोचक हो गई है। अब ऑनलाइन होगी 13,000 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत की निगरानी। बिहार में सड़कों की निगरानी अब ऑनलाइन होने वाली है। सरकारी योजना के अनुसार अब बिहार की लगभग 13,000 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत का काम हुआ है या नहीं, इसकी निगरानी अब ऑनलाइन माध्यम से होने वाली है। सड़क मरम्मत में लापरवाही की शिकायत के बाद पथ निर्माण विभाग ने यह निर्णय लिया है कि इन सड़कों की मरम्मत पर अभी और दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ अस्थिया अनुरक्षण संविधान नीति के तहत हो रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि विभागीय अधिकारियों के अनुसार साल 2019 से ही ओपीआरएमसी मॉडल लागू है। इसके तहत साल 2026 तक सड़कों की मरम्मत का जिम्मा एजेंसियों को दिया जा चुका है, लेकिन विभाग को आए दिन सड़क मरम्मत में लापरवाही की शिकायत मिलती रहती है। लखीसराय के जलप्पा स्थान में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। दियावान प्राकृतिक छटाओं और घाटी नुमा भूमि के बीच अवस्थित शक्तिपीठ मां ज्वलप्पा देवी स्थान जिले में भी काफी प्रसिद्ध है। ज्वलप्पा देवी पर आस्था रखने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ मंगलवार को खूब लगती है। इसके अलावा यहां प्रत्येक पूर्णिमा, पंचमी, अमावस्या, मंगलवार और शनिवार को दूरदराज से लोग पहुंचते हैं। चानन प्रखंड के पूर्व मुख्यालय बन्नू बगीचा से 2 किलोमीटर, उत्तर पहाड़ी क्षेत्र और जिला मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर पूर्व दिशा में अवस्थित ज्वलप्पा स्थान मुख्य रूप से गौ पूजा के लिए जाना जाता है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए तय हुआ कॉलेज का फीस। अगर आप भी बिहार के रहने वाले हैं और बिहार से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए हमारी ये खबर कुछ खास है, क्योंकि अब सभी इंजीनियरिंग कॉलेज का फीस तय हो गया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस तय कर दी है। ये फीस इसी सत्र 2022-23 से लागू होगी। इसमें पहले वर्ष इंजीनियरिंग प्रोग्राम की फीस करीब 79,000 रुपए से लेकर 1.89 लाख रुपए सालाना निर्धारित की गई है। इसके साथ ही तकनीकी शिक्षण संस्थान सिर्फ 4 वर्गों में ही फीस ले सकते हैं, जिसमें ट्यूशन, डेवलपमेंट, एग्जामिनेशन और अन्य शामिल है। उत्तर बिहार के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना। बिहार में मौसम इन दिनों तेजी से करवट बदल रहा है। प्रदेश में तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बक्सर और डेहरी में पारा 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में मौसम में तेजी से बदलाव हुआ है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और किशनगंज जिले में कई जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। जानकारी के अनुसार इन इलाकों में नमी युक्त पुरवैया सतह से 9 किलोमीटर ऊंचाई तक बह रही है। मौसम विभाग का मानना है कि आगामी 2-3 दिनों तक ऐसी स्थिति बने रहने की संभावना है। स्वच्छ ऊर्जा में बिहार बेहाल।
स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु की दिशा में बिहार सरकार भले ही बहुत दावे करती आई हो, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और ही है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने में बिहार अभी अन्य बड़े राज्यों से कोसों दूर है। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड एक में गुजरात, केरल और पंजाब जैसे बड़े राज्यों ने टॉप पोजीशन हासिल की है, जबकि छोटे राज्यों में गोवा, त्रिपुरा और मणिपुर जैसे राज्य टॉप थ्री में शामिल है। अगर बात केंद्र शासित राज्यों की करें तो चंडीगढ़, दिल्ली और दमन एंड द्वीप में और दादर और नागर हवेली टॉप राज्यों में शुमार है। इसको लेकर बीते दिन ही नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार की अध्यक्षता में राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड वन लॉन्च किया गया है। इसी हफ्ते बिहार को मिलेगा दो नया पावर ग्रिड, खत्म होगी बिजली की समस्या। बिहारवासियों को इसी हफ्ते दो नया पावर ग्रिड मिलने वाला है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बिहार में 14 और 15 अप्रैल को जिलों में पावर ग्रिड शुरू हो जाएगा। खबरों की माने तो 14 अप्रैल को सीतामढ़ी, वहीं 15 अप्रैल को सहरसा में पावर ग्रिड राष्ट्र को समर्पित हो जाएगा। अभी तक के योजना के अनुसार केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह और बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव सहरसा और सीतामढ़ी के पावर ग्रिड का लोकार्पण करने वाले हैं। इसको लेकर अभी से ही तैयारियां तेज कर दी गई है, जिसके तहत इस शहर के पटेल मैदान में आयोजित कार्यक्रम से लोकार्पण कर सहरसा पावर ग्रिड को राष्ट्र को समर्पित किया जाना है। वहीं आयोजित होने वाले कार्यक्रम को ही लेकर पटना से हैंगर सहित टेंट से जुड़े अन्य सामान मंगवाए गए हैं। बता दें कि मंत्री द्वारा कार्यक्रम को लेकर एक दिन पहले ही पावर ग्रिड और बिजली कंपनी से जुड़े अधिकारी सहरसा पहुंच जाएंगे। जातीय जनगणना पर सीएम नीतीश ने दिया बयान। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से जनता दरबार का आयोजन करवाया। इसके बाद ही अब सीएम नीतीश ने बीते दिन जातीय जनगणना को लेकर अपना बयान दिया है। इसके तहत जनता दरबार खत्म होने के बाद मीडिया से बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा कि बिहार में जातीय जनगणना कुछ दिनों के बाद होगी। जातीय जनगणना समय की मांग है, इसलिए इसको कराने की जरूरत है। जदयू मजबूती से इस मांग को उठाते रहेगा। वहीं कांग्रेस को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पार्टी चलाना उन लोगों का काम है, जैसा काम वो लोग कर रहे हैं तो देख ही रहे हैं कैसे उनकी पार्टी कहां जा रही है। बिहार के 54,634 स्कूलों में नहीं है खेल का मैदान। बिहार के स्कूलों में शिक्षा का अभाव तो है ही, अब खेल के मैदान का भी अभाव होने लगा है। छात्रों के लिए बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई तो होती है पर खेल की गतिविधियां नहीं हो पाती है। यह स्थिति कोई एक नहीं है बल्कि सैकड़ों स्कूल की है। बिहार भर की बात करें तो इसमें 54,634 ऐसे स्कूल हैं। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की माने तो यूडायस के रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है जिनके पास खेल के मैदान ही नहीं है। लगभग 33,536 स्कूलों में ही खेल के मैदान है। वहीं पटना जिले की बात करें तो 4,193 में 2,826 स्कूल है जिनके पास खेल का मैदान उपलब्ध नहीं है। इसके कारण ही कई स्कूल में खेल की कोई कक्षाएं भी मौजूद नहीं है, जबकि शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों में खेल की कक्षा रखने का निर्णय लिया है। पेट्रोल डीजल पर अब भी राहत की कोई उम्मीद नहीं। जहां एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन 24 प्रत्याशियों को पद की शपथ दिलवाई, वहीं दूसरी तरफ सीएम नीतीश ने मीडिया से पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर अपना बयान दिया है। इस बाबत उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम केंद्र सरकार बढ़ा रही है, पूरे देश भर में इसकी कीमत बढ़ रही है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है कि अभी लोगों के बढ़ रहे दाम से तत्काल राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। ये भी कहा है कि पिछले साल दिवाली पर केंद्र सरकार के बाद बिहार में भी पेट्रोल डीजल की कीमत में कमी आई थी। आपकी जानकारी के लिए आपको बता कि कुछ समय से बिहार में पेट्रोल डीजल के दाम में बेतहाशा वृद्धि देखी जा रही है, जिससे आम जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित है। कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे तेजस्वी और तेज प्रताप। बीते दिन पटना सिविल कोर्ट में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव की पेशी हुई। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि तेजस्वी और तेज प्रताप के ऊपर कोरोना गाइडलाइन को तोड़ने का एक मामला दर्ज किया गया था। इसी मामले में इन दोनों की पेशी हुई है। इसको देखते हुए पुलिस ने उन्हें कोरोना गाइडलाइन का हवाला देते हुए कुछ समय पहले रोका था। इस मामले को लेकर 10 सर्कुलर आवास के बाहर कई घंटों तक बवाल भी चला था। तेजस्वी यादव गोपालगंज जाने की जिद पर अड़े हुए थे। हालांकि प्रशासन ने उन्हें कोरोना गाइडलाइन का हवाला देते हुए यात्रा से रोक दिया था। उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए में बताया कम्युनिकेशन गैप। आज होने वाले बोचहा विधानसभा उपचुनाव से पहले एक बार फिर से जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए नेतृत्व पर बयान दिया है। बीते दिन मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि एनडीए की पहली शर्त ही नीतीश कुमार की लीडरशिप है, वहीं बिहार में एनडीए के नेता और सीएम रहेंगे, इसमें कोई इफ बट नहीं है। कुशवाहा ने यह भी कहा कि बोचहा उपचुनाव में बेबी कुमारी की जीत तय है क्योंकि वहां एनडीए ठीक स्थिति में है। वहीं एनडीए के अंदर चल रही बयानबाजी को लेकर उन्होंने कहा कि बयानबाजी से नुकसान तो होता ही है, इसे इनकार नहीं कर सकते। इसका मुख्य कारण कम्युनिकेशन गैप है। आपस में मिल बैठकर चर्चा करते रहे, चाय पर मिलते रहे तो ऐसी स्थिति नहीं होगी। हज यात्रियों के लिए सऊदी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन।
कोरोना काल के दो साल के बाद अब हज यात्रियों की यात्रा शुरू होने वाली है। हालांकि कोरोना का खतरा अभी पूरी तरीके से टला नहीं है, ऐसे में अब हज यात्रा करने वालों के लिए नई गाइडलाइन जारी हुई है, जिसके तहत अब 10 लाख लोगों को ही हज करने की इजाजत दी गई है। इतना ही नहीं, जिन लोगों को इसमें शामिल किया गया है वो सऊदी के अंदर रह रहे हों और वो जो लोग विदेश से सऊदी हज करने आएंगे उन्हें अनुमति मिलेगी। इसके साथ ही सऊदी सरकार ने अब 63 साल से ज्यादा उम्र वालों के हज पर जाने पर रोक लगा दी है। पहले हरी झंडी इस पर दी गई थी, जिसे 16 दिसंबर 2021 से बुजुर्गों ने भी हज फॉर्म भरना शुरू कर दिया था। अब सऊदी ने इसको लेकर नया पत्र जारी किया है, साथ ही 30 अप्रैल 2022 को 65 साल से अधिक उम्र पूरा करने वालों की यात्रा पर रोक लगा दी है। टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए ICC का बड़ा ऐलान। हाल ही में ICC मीटिंग का आयोजन करवाया गया था, इसमें ही कुछ अहम निर्णय देखने को मिले हैं, जिसके तहत पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 में टीमों के प्रवेश को लेकर अहम घोषणा की गई। 2024 में होने वाले पुरुष टी20 वर्ल्ड कप में टीमों की एंट्री को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि 12 टीमों को सीधा प्रवेश मिलेगा। 2022 टी20 वर्ल्ड कप की शीर्ष 8 टीमों के अलावा वेस्टइंडीज और यूएस को मेजबान देश के रूप में प्रवेश मिलेगा। इसके अलावा दो टीम का चयन 14 नवंबर 2022 तक रैंकिंग में उच्च स्थान हासिल करने वाली दो टीमों को इसमें शामिल होने का मौका मिलेगा। वहीं 2024 में होने वाले महिला टी20 विश्व कप के लिए भी इसी तरह की योग्यता प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसमें 10 टीम शामिल होने वाली हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। सिख गुरु तेग बहादुर का 1621 में जन्म हुआ। विलियम क्रे को 1801 में कलकत्ता अब कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज में बंगाली भाषा का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। रंजीत सिंह ने 1801 में खुद को पंजाब का महाराजा घोषित किया। भारतीय रेलवे के 125 साल पूरे होने के उपलक्ष में 1978 में देश की पहली डबल डेकर ट्रेन सिंहगढ़ एक्सप्रेस बॉम्बे अब मुंबई के विक्टोरिया टर्मिनल से पुणे तक चलाई गई। मशहूर गीतकार गुलजार को 2014 में वर्ष 2013 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। हैदराबाद के हुसैन सागर झील में 1992 में विशाल काय बुद्ध प्रतिमा स्थापित की गई। भारत के महान क्रिकेटर खिलाड़ियों में से एक वीनू माकड़ का 1917 में जन्म हुआ। 2006 में महान कन्नड़ फिल्म अभिनेता राजकुमार का निधन हुआ। व्हाट्सएप पर मिलेगा हेल्थ टिप्स। व्हाट्सएप अपने एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए आए दिन कोई न कोई नया फीचर जरूर रोल करता है। इसी कड़ी में व्हाट्सएप ने हेल्थ टिप्स को वेरीफाई करने के लिए एक चैट बोट लॉन्च किया है। इस नए चैट बोट में आस्क रक्षा की घोषणा THIP मीडिया द्वारा की गई है, जो एक फैक्ट चेकिंग प्लेटफॉर्म है। THIP मीडिया इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क का एक हस्ताक्षर करता है, जो स्वास्थ्य, दवा, आहार और उपचार के बारे में भ्रामक खबरों और दवा की जांच करने के लिए वेरीफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ काम करता है। प्लेटफॉर्म अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, पंजाबी, गुजराती और नेपाली में प्रकाशित होता है। जेल विभाग के AIG के ठिकानों पर निगरानी विभाग ने की रेड। बीते दिन जेल विभाग के AIG रूपक कुमार के ठिकानों की निगरानी टीम ने तलाशी ली। आय से अधिक संपत्ति मामले में रूपक कुमार के खिलाफ हाल ही में मामला दर्ज हुआ था। सबूत मिलने के बाद विशेष निगरानी इकाई ने मामला दर्ज किया। सबूत मिलने के बाद ही अब विशेष निगरानी इकाई ने छापेमारी के दौरान लाखों रूपये बरामद होने की सूचना दी है। साथ ही साथ कई अन्य दस्तावेज भी बरामद किए गए। सहायक जेल महानिरीक्षक पर मामला दर्ज करने के बाद SUB ने कोर्ट से सर्च वारंट भी लिया है। विशेष निगरानी इकाई के ADG नैयर हसनैन खान की तरफ से जानकारी दी गई है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है गौतम कुमार, राम नारायण, दिलीप कुमार, सत्येंद्र कुमार, मंतोष कुमार, विजय घायल, रोशन कुमार, सुभाष ठाकुर, कुश कुमार, नीतू कुमारी, शुभमानंद, सौरभ मिश्रा, आशीष रंजन। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार के किस अभिनेता ने बिहार का नाम बढ़ाने का सबसे ज्यादा काम किया है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।